सभी पेंगुइन काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं। चलिए जानते हैं वो कैसे अपने परिवार के दूसरे मेंबर्स को ढूंढते हैं। किंग पेंगुइन घोंसला नहीं बनाते हैं, इसलिए कोई फिक्स्ड स्पॉट नहीं है जहां वो तैरने के बाद अपने परिवार से मिल सके। पेंगुइन्स फ्लाइटलेस बर्ड है, इनमें भी और दूसरे पक्षी की तरह आवाज निकालने का ऑर्गन है जिसे सीरिंग्स कहते हैं। ये दो ब्रांचेस में स्प्लिट होता है और उन्हें सेम टाइम दो अलग अलग आवाजें निकालने में मदद करता है। सीरिंग्स के दोनों ब्रांचेस का यूज करके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर आवाज प्रोड्यूस करते हैं और दो डिफरेंट आवाजों की मदद से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। घोंसला बनाने वाले पेंगुइन दो आवाज वाली कॉल का यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने घोंसले की जगह पर लौटकर एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं।